अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज की हमारी वीडियो डीसी सबमर्सिबल वाटर पंप की, डायरेक्ट चलने वाला है सोलर पे और इसकी वोल्टेज जो है ना वो 24 वोल्ट डीसी है और जो पावर है वो 400 वाट। यहाँ पे जो इन्होंने लगाया हुआ है वो तो लगाई हुई 4 सोलर पैनल 160 वाट की। लेकिन अगर आप लोगों ने लेने हैं तो आप लोगों ने डायरेक्ट लेने हैं या तो एक सोलर पैनल ले लें जिसका पावर हो 400 वाट और जिसकी जो ना डीसी वोल्टेज हो 24, या आप दो ले लें 200 वाट की 12 वोल्ट के, तो वो उसकी भी चल सकती है। और अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं 400 वाट का, चार लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका प्रेशर माशाल्लाह अच्छा था, मैंने प्रेशर देखा था, मैं इसके ऊपर तक इस वाटर पंप की पीछे तकरीबन 3-4 बार गया था लेकिन बंदा नहीं मिल रहा था। आज वो बंदा मिला था तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते। और इन्होंने लगाई हुई थोड़ी सब्ज़ी वगैरह, तो सब्ज़ी के लिए ना इन्होंने वो पानी शानी देना होता है, तो उसके लिए इन्होंने ये डायरेक्ट सोलर पर चलाते, तो उसमें बड़े फ़ायदे होते हैं। टैंक से बनाए हुए हैं, टैंक को भरते हैं फिर उससे ना वो सब्ज़ी को पानी देते हैं। तो वीडियो अच्छी है, वीडियो पूरी देखो। वाटर पंप जो है ना वो है डीसी 24 वोल्ट, इसकी कीमत है 12,000 रुपये और जो बोर है वो है 100 फिट और जो बोर में ये पंप डाला हुआ है वो है 75 फिट में डाला हुआ है, ठीक है ना, 75 फिट में डाला हुआ है, 100 फिट का बोर है और जो इसका हेड है वो 150 फिट इसका हेड है, कीमत 12,000 है। ये लोकल भी मिल जाते, इस यहाँ पर भी मिल जाते, हर इलाके में लोकल मिल जाते, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन और आल के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये वो वाटर पंप है ग्रीन पोस्ट वालों की, 24 वोल्ट डीसी है और 400 वाट इसका पावर है। जो सोलर पैनल आप लगाओगे वो 400 वाट का लगाओगे, ठीक है ना, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो सोलर पैनल लगी हुई, ये 4 सोलर पैनल लगी हुई है आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें दो काम कर रहे हैं, दो काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। और ये जो स्टैंड बना हुआ है ये घूमने वाला स्टैंड है, ठीक है ना, मतलब जिस साइड पर धूप होती है ना उस साइड पर घुमा लेते हैं। ये छोटा सा स्प्रे में और छोटे से प्लेटें लगी हुई है लेकिन ये इन्होंने कमाल ये किया कि ये घुमाने वाला बनाए हुए है ताकि जिस साइड पे धूप ना उसी साइड पे कर लेते। कभी लोग ऐसे करते हैं डायरेक्ट वो लगा लेते पक्के तो वो घूमते नहीं है, फिर जिस टाइम धूप चली जाते हैं ना दूसरे साइड पे सूर्य चले जाते हैं उस टाइम पे ना वो काम नहीं करते। ये ऐसा है ना कि इन्होंने घुमाने के लिए बनाए हुए ताकि स्टैंड जिस टाइम मर्जी घुमा ले, उस टाइम जिस साइड पर धूप हो ना सूर्य जो है ना उसी साइड पर कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो सोलर पैनल है, ये 4 की 4 जो ना लगी हुई 160 वाट के, एक के ऊपर स्टिकर लगा हुआ, बाकी तीन के ऊपर स्टिकर नहीं लगा। इसमें दो जो ना ये डैमेज है। अच्छा, इससे इन्होंने ये मोटर भी चलानी होती है और ऊपर जो है ना बैटरी भी चार्ज करनी होती है, इनसे डबल फायदे लेते हैं। वो आपको सामने टैंक नज़र आ रहा है, ये टैंक इन्होंने भरना होता है। ये कह रहे थे जब जो ना ये चारों काम कर रहे थे ये 3-3.5 घंटे में पूरा टैंक भर जाता था। ये देखा नहीं, ये आपको नज़र आ रहा होगा 160 वाट का उल्टा है लेकिन ये 160 वाट का जो ना सोलर पैनल है, 4 की 4 जो है 160 वाट के सोलर पैनल लगी हुई। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो ना सामने टैंक नज़र आ रहे हैं, वही टैंक वो पानी भी आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको यहाँ से नीचे वो तारे भी दिखा देता हूँ, तारे जो जा रही है वो दिखा देता हूँ। वो जो बंदा था जो उसने कहा यार मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई तो इसलिए मैं वीडियो के सामने वो ना नहीं आ सकता, कैमरे के सामने नहीं आता हूँ। तो फिर मैंने मजबूर नहीं किया, मैंने कहा चलो यार उसकी मर्जी, यार मैंने कि अपनी मर्जी थी, कोई बनाते कोई नहीं बनाते। तो वो साइड पर खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार फिर मैं खुद बना लेता हूँ वीडियो बाद में, जो ना मैं उससे मैंने डिटेल ले ली थी। तो ये देखना आपको, ये एक तो ये काम किया हुआ थोड़ा सा, ये कच्चा काम है और काम मजबूत किया करे, पक्का काम कर लिया करे, इसके ऊपर कोई टैप शैप लगा दिया करे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये देखना ये सीधा तारे जा रहे, ठीक है ना, ये वायर जा रहे सीधे वहाँ पे। अच्छा, ये टैंक भी भरते और यहाँ घर के जो ना घर का पानी भी इसी से भर लेते। ये देखना एक पाइप जा रहा है घर की तरफ और एक टैप जो ना सॉरी एक पाइप जो जा रहा है ना वो जा रहा है उसमें टैंक भी जा रहा है। ये वो बोर है, ये 100 फिट का बोर है, ये बता रहा है कि 100 फिट का हमने बोर किए हुए हैं और इसमें इन्होंने डाला हुआ है जो वाटर पंप है वो 75 फुट में डाला हुआ है, ठीक है ना। 75 ये 150 फिट में आप डाल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन 75 में ये जहाँ पे जितना बोर होगा ना उतनी लोग डालते हैं, कुछ ज़्यादा डाल देते कहीं पे ज़्यादा हो बोर फिर लोग ज़्यादा डाल देते, नहीं तो 75 भी डाल देते। वो आपको पानी नज़र आ रहा है, मैं बस पानी की तरफ जाने वाला हूँ, इंशाल्लाह दिखा दूंगा पानी। ये दो वाल इस साइड पर जा रहा है पानी का लाइन, इस साइड पर जा रहे हैं टैंक के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए पानी, ये ना पानी आपको नज़र आ रहा होगा, पानी प्रेशर काफ़ी अच्छा है। जो आम इंजेक्टर होते हैं ना वाटर पंप से जो ना प्रेशर ज़्यादा होते हैं। ये मुझे इसने दिखाया था जगह बीच में जगह जो थी वो दिखाई थी कि यहाँ पे पानी पहले पानी आ रहा था, अब थोड़ा सा पानी कम है क्योंकि 408 और 320 वाट में बहुत फ़र्क होते हैं।
हाँ ये देखो, ये टैंक पूरा कहते हैं कि पहले 3 साढ़े 3 घंटे में भर जाता था। ये आपको साफ ये जो ना वो थोड़े से ना सब्जी वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ उस साइड पर जाके। तो ये इन्होंने सब्जी भी लगाई, सब्जी लगाई हुई सब्जी के लिए वो साथ, ये साथ मूँगफली लगी हुई, ये इलाका मूँगफली का है। मूँगफली को तो पानी ज़रूरत नहीं होती कभी कभी को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। DC 48 लाजवाब। इसका क्या कीमत है? 13,500। 13,500 मैक्सिमम हेड है 60 मीटर, आउटलेट 25 mm, DC वोल्टेज 48, पावर 400 वाट। इसके साथ ये केबल कितनी होती है? 50 फुट। और इसके साथ केबल कौन सी वाली लगती है? ये आम केबल लगती है? नहीं, इसके स्पेशल आम मंगवाते हैं। अच्छा, स्पेशल आम। ये पैक कर।